बातें तो परिचय में बहुत बताई गई है, लेकिन मैं एक बात को पहले अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात, हमारे लोग अतिथि ने बेरोजगारी की बात कहा। बात तो सही है कि आज हर घर परिवार में बीएसएम पास करके दो चार नौजवान लड़के बेरोजगार हैं। साथियों, जो हमारा छोटा मोटा सामान्य ज्ञान है, देश की बेरोजगारी तो जाएगी। जैसे घर का गार्जियन अपने लड़कों के विषय में सोचता है, पढ़ाता है, लिखाता है, धंधा व्यापार की व्यवस्था करता है, उसको चिंता रहती है कि अगर लड़के कहीं काम धाम नहीं पाएंगे तो इनकी जीविका कैसे चलेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस सरकार को हम बनाते हैं, वो सरकार चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, जब तक उसका मुखिया उसकी विचारधारा ऊंची नहीं होगी, उसकी मानसिकता बनी नहीं होगी कि हमारे देश के नौजवान लड़के हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, तब तक देश की बेरोजगारी की समस्या नहीं। इस विषय में हमारा एक बात और ही कहना है कि सब नवासी से लेकर के आज तक दलित और पिछड़े वर्गों की सरकार चल रही है। चार बार दलित की सरकार थी, पांच छह बार पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे। क्या नहीं कानून बनाया कि हर परिवार को, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, एक नौकरी हम जरूर देंगे। एक कानून आप बनाते, उसकी अगर देश की अदालत में उपयोग करती, आपके खिलाफ कार्रवाई करती, अगर उसमें आप सजा पाते, दंडित होते, तो आप अमर हो जाते, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन आज आप आय से अधिक संपत्ति कमा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में झाड़ फूक करवा रहे हैं, और जो वादे करके गए थे उसको आपने नहीं किया। हमारी जनता तो तैयार बैठी है, हमारे दलितों और पिछड़े वर्गों के धर्म नेताओं ने जो कहा वो आपके साथ खड़े हुए, आपको सत्ता सौंप दी। लेकिन जब देश में संविधान और राजनीति के बड़े पदों पर बैठते हैं तो हमारे लोग बहुत जल्दी जातिवाद के ऊपर उड़ जाते हैं। ये भी हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरा, दूसरी बात, एक हमारा सुझाव है जो बड़ा सामयिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि हाई कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तहसीलों में सरकारी वकीलों का आरक्षण होना चाहिए, वो आरक्षण पिछड़े वर्गों का हो और दलितों का। उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वी दाखिल हुई, लेकिन वहां से कोई स्थगन आदेश नहीं प्राप्त हुआ। आज इस जनता के सामने हम अपने मुख्य अतिथि और प्रेम प्रकाश जी और जो मंच पर बैठे लोग हैं, बड़ा सामयिक है, समस्याएं जो बहुत हैं, सारी समस्या आप लेकर चलेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, न आप कामयाब होंगे। हमारा एक अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है कि आप उसको, उसकी लड़ाई लड़िए, पहले हाई कोर्ट के सामने डॉक्टर अम्बेडकर के वहां पर सारा दलित का वकील, पिछड़े वर्ग का वकील आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हमको वादा है, पूरा विश्वास है। उसके बाद एक दिन आप आह्वान करिए विधानसभा के सामने, हम नहीं समझते कि पूरा प्रदेश का वकील, पिछड़े वर्गों का, दलों का आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अगर आप, हमारा विश्वास है कि अगर आप करेंगे तो जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जरूर आपकी बात मानने में सफल होंगे। और आप का कद इतना ऊंचा उठ जाएगा कि माना कि आप हाई कोर्ट के जज रहे, आप अमर हो जाएंगे। आपने संकल्प लिया है कि रिटायरमेंट के बाद जो शेष समय है हम सामाजिक काम में लगाएंगे। तो बहुत समस्याएं नहीं, एक समस्या को लेकर आपके लड़िए। वकील जो है देश का, समाज का बुद्धिजीवी तबका होता है, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। आप हमारे माननीय न्यायमूर्ति साहब ये कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वकील के लिए न कोई पद बड़ा है न कोई काम बड़ा है। तो हम आपसे अपील करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि और सब छोड़ करके खाली आप पिछड़े वर्गों का और दलित वर्ग का सरकारी वकीलों ने जो आदेश है उसको आप लागू करवाइए। आपका कर बीपी मंडल से भी ज्यादा हो जाएगा। इसी बात को मैं बड़ी बात